आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया, टेक ही साथी टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे, सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है, टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल, टेक ही साधन टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक बहाए, कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक, कर ले जाके चेक सबका मालिक टेक। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चहेते टेक पॉडकास्ट सबका मालिक टेक में। मैं हूँ सिमरन श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का बजट प्रेजेंट कर दिया गया है और इस साल के बजट में डिजिटल से जुड़ी बहुत सारी घोषणाएं की गई है। ना सिर्फ इस साल का बजट डिजिटली प्रेजेंट किया गया है बल्कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों का भी ऐलान किया गया है, जैसे 5G रोल आउट करने से लेकर ई पासपोर्ट, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल बैंकिंग और इवन डिजिटल करेंसी का भी ऐलान किया गया। लेकिन इस बार के बजट में हेडलाइन मेकर बना क्रिप्टो करेंसी, जहां हमें क्रिप्टो करेंसी से लेकर थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली और साथ ही साथ ये पता चला कि अब आपकी सारी डिजिटल अर्निंग्स पे 30% का टैक्स लगेगा, यानी आपकी जितनी भी डिजिटल अर्निंग होगी उसमें से 30% आपको सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन इस बार का हॉट टॉपिक बना डिजिटल करेंसी, यानी इंडिया की अपनी डिजिटल करेंसी जो RBI लेकर आने वाला है, इस पर कंफर्मेशन मिला हमें बजट के दौरान और आज हम इस एपिसोड में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और बात करने के लिए आपको पता ही होगा कि हमारे साथ कौन कौन है। हमारे साथ जुड़े हैं मानस तिवारी और मुंजिर अहमद। स्वागत है आपका अपने ही शो पे, क्योंकि मैं बोलूंगी नहीं कि आपको अलग से इन्विटेशन दे रही हूं। और पहले तो मुझे बताइए कि एज टेक जर्नलिस्ट कैसा लगा आपको इस बार का बजट, बोथ ऑफ यू। पहले मुंजिर से पूछते फिर, या पहले मानस आप बताइए। मैं पहले एक बात कहूंगा, पूछ आप मुंजिर से लेना। आपने कहा ना कि एज टेक जर्नलिस्ट आपको कैसा लगा इस बार का बजट। मैं देख रहा हूँ जब से बजट प्रेजेंट हुआ है ना, तब से सारे टेक जर्नलिस्ट कुछ ना कुछ कह रहे हैं इस बजट के बारे में। ऐसा कभी पहले होता नहीं था। टेक जर्नलिस्ट का काम नहीं होता बजट पर कमेंट्री देना, उसके बारे में बात करना, क्योंकि इस बार बात हो गई थोड़ी सी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, ट्विटर वगैरह पे कुछ ना कुछ बोले जा रहा है। मतलब उन सबको मैं कहूंगा कि पहले ना आप किसी और को कुछ बताने से पहले खुद जाके थोड़ा टैक्स एक्सपर्ट से आप बात करो, थोड़ा पहले आप समझो कि हो क्या रहा है, बिकॉज बहुत सारी ना मिस इन्फॉर्मेशन भी चल रही है। हम टेक जर्नलिस्ट हैं, हम टेक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, हम टैक्स एक्सपर्ट्स नहीं है। आज भी जो हम यहाँ पर बातें करेंगे क्रिप्टो टैक्स रिलेटेड या जो कुछ भी हम कह रहे हैं, वो हम उस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमने जाके 5 लोगों से बात करी है, अलग अलग टैक्स एक्सपर्ट से बात करी है, उनसे डीकोड करवाया है, तब हम कुछ कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे, हम उनके शब्दों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जर्नलिस्ट खुद ही CA बन गए हैं जब से बजट आया है, तो वो उनसे थोड़ा सा बच के रहना। अब आप मुंजिर से पूछो, मुंजिर क्या लगता है, मुझे बता, मेरी बात से अग्री भी करते हो कि नहीं, वही बता दो। एवरेज, मतलब एवरेज है बजट, ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है। और दो तीन चीजों को अगर हटा दें तो बस ऐसे ही है। मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जो मैंने देखा है पिछली बार का बजट या फिर इस बार का बजट, तो डिजिटल इंडिया का जिक्र होता था पहले, इस बार कुछ डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज का जिक्र है, ई पासपोर्ट का जिक्र है, ऑप्टिकल फाइबर, पिछली बार भी जिक्र किया गया था ऑप्टिकल फाइबर, इस बार भी ऑप्टिकल फाइबर है। तो दो तीन चीज नए, ई पासपोर्ट पहले से ही उसका चल रहा था, 5G ऑक्शन, मतलब अगर आप देखें तो जो हल्ला हंगामा जो सब कुछ है वो सिर्फ इस चीज को लेकर के है कि 30% टैक्स लगेगा और डिजिटल रुपी लॉन्च होगी। बाकी जो दूसरी चीजें हैं, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, वो एज इट इज पहले भी चल रही थी, काम हमेशा से चल रहा है, 2-3 सालों से चल रहा है, वो गांव में पहुंचाने वाला, जो कि अभी तक नहीं पहुंच पाया पिछले 5 साल में। 5G ऑक्शन तो हम सभी को पता है, हम तीन चार साल से शायद 5G फोन हम रिव्यू कर ही रहे हैं, तो 5G का भी ऑक्शन 22-23 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को एक कॉन्ट्राडिक्टरी ये चीज लगती है कि मतलब टेलीकॉम मिनिस्टर ने ये कहा था कुछ समय पहले कि हमारी 6G सर्विस जो है 2023 तक शुरू हो जाएगी, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि 6G सर्विस अगर 2023 तक शुरू होगी तो निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा है कि 2022-23 तक 5G का ऑक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा, भाई साहब जब 5G ऑक्शन कंप्लीट होगा, कंपनियां लाएंगी 2023-24 तक, तो फिर 6G कहां गया? 6G का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो क्या फिर क्या समझा जाए इस चीज को? अरे तो 2024, बहुत सारे सवाल हैं।
2022-23 तक जब 5G आएगा तो 27-28 में फिर BSNL लेकर आएगा ना, फिर उसके बाद 6G की बात करेंगे ना यार, उनके लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। पॉसिबल है क्योंकि अभी 4G किया गया है टेस्टिंग 5G, हालांकि ऐसा नहीं है, चलो ठीक है, ज्यादा पेसिमिस्टिक नहीं होते हैं, हो सकता है कि दर्शक सोच रहे होंगे यार ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही कह रहे हैं, बट ठीक है, एवरेज कहा खराब भी नहीं है, और हम सिर्फ बजट, ओवरऑल बजट की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बजट में जो टेक्नोलॉजी से जुड़े अनाउंसमेंट हुए हैं उस हिसाब से एक एवरेज बजट है। अब आगे तो खैर हम बात करेंगे, मतलब पर्सनल ओपिनियन मेरा यही रहेगा, एवरेज बजट। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ जो कि आज है हमारा देसी डिजिटल करेंसी जिस पर हम बात कर रहे हैं। पिछले साल ही RBI के गवर्नर ने कहा था कि वो डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे और इस बार हमें इस पर कंफर्मेशन भी मिल गई। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि डिजिटल करेंसी आखिर है क्या मानस? जो हम करेंसी जैसे हम जानते हैं जो फॉर्म में हमारे पास होती है बेसिकली जो रुपये होता है उसी का एक डिजिटल वर्जन ये क्रिएट करेंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा और इसका नाम भी उन्होंने बता ही दिया है कि वो डिजिटल रुपी ही कहलाएगा। तो अब RBI गवर्नर साहब ने बताया शक्तिकांता दास, इन्होंने पिछले साल इस तरह का हिंट दिया था जब बात चल रही थी ना कि क्रिप्टो को बैन किया जाएगा या उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तब पहली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि RBI एक अपनी डिजिटल करेंसी लेकर आएगा। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि जब सेंट्रल बैंक आपका करेंसी लेकर आता है भले ही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, वो एक्चुअल में क्रिप्टो करेंसी नहीं होती, उसे CBDC कहते हैं, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC के बारे में बहुत सारे देश बात कर रहे हैं, बहुत जगह कह रहे हैं कि ये आ सकता है, अभी तक कहीं आया नहीं है। तो कैसे काम करता है, क्या होगा, उस सब के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो लास्टली स्पेकुलेशन है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि ये इसका फ्यूचर क्या रहेगा। बट इन सिंपल वर्ड्स, आपका जो रुपी जिसे हम इस करंट फॉर्म में यूज करते हैं, बस आपने उसका डिजिटल वर्जन क्रिएट कर दिया जिसे आपको फिजिकल फॉर्म में कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, उसे यूज कर आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे डिजिटल फॉर्म में, आप उससे चीजें भी खरीद पाएंगे, आपको अगर किसी और को देना है तो आप उससे भी दे पाएंगे। फर्क एक मेन जो आपका रहेगा इन कंपैरिजन टू क्रिप्टो करेंसी वो ये होगा कि सिर्फ आप पेमेंट कर पाओगे, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। अभी क्रिप्टो में क्या होता है ना, लोग खरीदते हैं क्रिप्टो इसलिए कि आज मैंने 1000 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया, ये जब 1500 इसकी वैल्यू हो जाएगी उसको मैं बेच दूंगा 500 रुपए कमा लूंगा। ऐसा नहीं होगा आपके डिजिटल रुपी के साथ, जो CBDC है उसमें ऐसा नहीं होता, वो 1000 रुपए की वैल्यू 1000 रहेगी, कभी ग्रो नहीं करेगा या डिक्लाइन नहीं करेगा। ये एक मतलब डिफरेंसेस और भी हैं बात करेंगे, बट ये क्योंकि आपने पूछा कि कैसे काम करेगा करेंसी के फॉर्म में तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो बेसिकली आपके ई वॉलेट में स्टोर रहेगा और आप इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं, बट कोई इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ नहीं कर सकते, राइट? इन्वेस्टमेंट के लिए है ही नहीं दिस, है ना। इन्वेस्टमेंट में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट देखते हैं इक्विटीज, एसेट। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी होती है, चाहे वो गोल्ड हो गया, चाहे रियल एस्टेट हो गया, जब घर खरीदते हैं, कई लोग घरों में भी इन्वेस्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड ले लेते हैं। इक्विटीज सबसे पॉपुलर आजकल मेरे हिसाब से यंगस्टर्स में एक मोड है इन्वेस्टमेंट का, इसमें आप स्टॉक मार्केट को भी काउंट कर लो, आप म्यूचुअल फंड को भी काउंट कर लो, वहाँ पे बढ़ भी सकता है कम भी हो सकती है वैल्यू। जो डिजिटल रुपया आएगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ ट्रांजैक्शंस के ही काम आएगा। कैसे काम होगा, वो कौन से वॉलेट में स्टोर होगा, क्या होगा, उस सब पे क्लैरिटी हमें धीरे धीरे मिलनी चाहिए आगे चल के। ओके, तो मंजर ये जो डिजिटल करेंसी है क्या ये किसी फिक्स्ड मतलब फिक्स संख्या में ही बनाई जाएगी? और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 1000 रुपए 2000 रुपए का नोट है और तो क्या मैं उसे कन्वर्ट कर सकती हूँ अपने डिजिटल करेंसी में? ऑनेस्टली सिमरन आई डोंट नो दैट, मतलब ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मानस बताए, बट आई डोंट नो कि ये कैसे होगा, या फिर मुझे नहीं लगता कि ये अभी क्लैरिटी सरकार ने दी भी है कि उसे ऐसे किया जा सकेगा या फिर मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा होगा। मतलब मैंने जहां तक समझा है ये जो डिजिटल रुपया है उसको इतना तक समझा है कि ट्रांजैक्शन तो होंगे और UPI की तरह इसमें टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा रियल टाइम होगा, बट फिर अब ये भी सवाल उठ रहा है ना कि UPI से भी पेमेंट करने में कितना ही टाइम लग जाता है। Exactly. ठीक है ना, कुछ सेकेंड का समय लगता है, तो अब भाई कौन यहाँ इतना लेकर के बैठा हुआ है कि और भी माइक्रो और सेकेंड में ट्रांजैक्शन हो जाए, तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे बड़ा डिजिटल रुपी का मुझे लगता है कि ड्रॉबैक कह लें या फिर लिमिटेशन कह लें या फिर आइडेंटिटी क्राइसिस कह लें ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर के, जो लोग इस डिजिटल रुपी को क्रिप्टो करेंसी समझ रहे हैं पूरी तरीके से कि क्रिप्टो बिटकॉइन का अल्टरनेटिव, बिटकॉइन का देसी वर्जन, कई सारी चीजें
ट्विटर पे मैं कल से देख रहा हूँ हर जगह कि बिटकॉइन का देसी वर्जन आ गया या फिर इथेरियम का देसी वर्जन आ गया। कोई देसी देसी वर्जन नहीं है ना, बिटकॉइन से मिलता जुलता भी नहीं है, कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन बेस्ड होने का ये मतलब नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन या फिर इथेरियम जैसी हो गई, बिल्कुल कायदे से ये मतलब मेरे जैसे लोगों का मतलब जो ब्लॉकचेन पे विश्वास रखते हैं, जो इस चीज पे भरोसा रखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड चीजें आए, तो पर्सनली मेरे लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था, बहुत अच्छी चीज है, हो गई अच्छी चीज, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला जो फायदा जिस मोटो से क्रिप्टो करेंसी को लाया गया है दुनिया में, वो तो फुलफिल होगा नहीं। कुछ और ही फुलफिल हो जाए तो ठीक है, बट वो नहीं फुलफिल होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड वाला मामला है, क्योंकि होगा नहीं, आरबीआई कंट्रोल करेगी तो वो कहाँ है, डिसेंट्रलाइज्ड वाला मामला ही खत्म हो गया फिर। ये जो बात करी ना कि खरीदने के मतलब कैसे के कन्वर्ट कर पाओगे, तो क्लैरिटी कोई नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है। लेकिन आप समझो कि आप अगर कल को डिजिटल रुपी लेते हो तो आपको देना तो पड़ेगा ही ना कुछ, मतलब किसी चीज के बदले में तो आएगा ही ना, और वो क्या होगा, वो आपका जो अभी जो रुपी जिसे हम जानते हैं जो करेंसी है वो ही होगी। जैसे आप क्रिप्टो खरीदते हो तो आप क्या करते हो, आप 1000 रुपए देते हो, क्रिप्टो ले लेते हो। ये जरूर हो सकता है कि बिटकॉइन इथेरियम इन सब की वैल्यू की फ्लक्चुएट होती है, तो मैं आज 1000 रुपए का मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप, तो 50 लाख का एक बिटकॉइन आता है, बट मान लो मैंने आज 1000 रुपए का एक बिटकॉइन लिया, हो सकता है कल सुबह 1000 रुपए में मेरे को 0.75 बिटकॉइन ही मिले, एक ना मिले पूरा। बट डिजिटल रुपी के केस में शायद ये होगा कि आप आज भी उसकी वैल्यू अगर 1000 है तो कल भी वो 1000 ही है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज 1000 रुपए के 1000 डिजिटल रुपी लिए तो कल मेरे को 990 ही मिलेंगे, ऐसा शायद ना हो। बट अगेन स्पेकुलेशन है, ऑन पेपर कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। ये जो हमारी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो लोगों से बात हो रही है, एक्सपर्ट से बात हो रही है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। जी, और जैसा मंजर जैसा मानस ने कहा कि जो डिजिटल रुपी है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिस पर बिटकॉइन बेस्ड है, लेकिन हाँ डिफरेंस है दोनों में, जैसा आपने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगी, तो इस पर आप अगर थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दें कि ये डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं होगी और इस पर किसका यू नो अथॉरिटी रहेगा। इसमें क्या है ना कि जैसे अभी इंडिया को नीड कुछ और ही थी, मतलब बजट में हम कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अनाउंसमेंट होगा और किसी और चीज की नीड थी, तो अब डिजिटल रुपये आ गए हैं। और डिजिटल रुपये मतलब मैंने भी उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद ही घूमता रह गया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं बोलूंगा तो जनता भी घूमने लगेगी कि क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। और सच भी यही है कि ये जो सीबीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सीबीडीसी का जो कॉन्सेप्ट है, वो जिन कंट्रियों में अभी अडॉप्ट हुआ है, मानस कह रहा था शायद नहीं हुआ बट लगभग हो चुका है कहीं कहीं, दो तीन उन्होंने कोई रोल आउट नहीं करी है, करेंसी रोल आउट नहीं करी है, वो जैसे हमने अनाउंस कर दिया ना कि एग्जैक्टली करेंगे बनाएंगे, बट आया कुछ नहीं। हाँ, तो वही वहां भी लोगों के पास वो जो ब्लड विजन नहीं होता है, अचानक से 4 घंटे बैठने के बाद उठते हैं तो सब कुछ ब्लड सा दिखने लगता है ना, तो मुझे ये डिजिटल रुपी भी सीरियसली वैसा ही लग रहा है। अब फायदे और नुकसान तो आने वाले समय में ही क्लियर चलेगा, लेकिन पहले तो हमें ये जानना है कि कैसे काम करेगी ये डिजिटल रुपी। ठीक है, अगर ऐसा हो लेट से कि आपने डिजिटल रुपी में ट्रांजैक्शन करना है तो आपको किसी सेपरेट ऐप के पास जाना होगा, तो अगर ऐसा होगा कि यूपीआई का अल्टरनेटिव अगर ये बनाना चाहते हैं इन फ्यूचर कि चलो यूपीआई मतलब का, ये भी नहीं समझ में आ रहा ना, आपका अपना प्रोडक्ट है UPI, जिसको आपने इतना हाइप करा, आप लेकर आए, अब आप उसको ही रिप्लेस क्यों करोगे खुद ही? बिल्कुल वही मैं, क्योंकि देखो घूम फिर करके वही चीज आ जाती है ना कि आप अगर देखिए, आप डिजिटल रुपी को अगर आपको क्रिप्टो की तरह ट्रीट नहीं करना है, जो कि अभी हो रहा है इन्वेस्टमेंट करना या फिर दुनिया भर में एक्सेप्टेंस हो जाए उसकी, तो आप डिजिटल रुपी का क्या करेंगे? मतलब नॉर्मली अभी तो ये करेंगे कि चलो लोग जैसे यूपीआई से ट्रांजेक्शन करते हैं वैसे डिजिटल रुपी से ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, चलिए उसके लिए ऐप हो गया, आपने ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दिया, तो क्या मतलब साइड बाय साइड होगा या फिर यूपीआई में ही कुछ इंप्लीमेंट करेंगे, चेंज करेंगे या फिर ये खुद ही यूपीआई को रिप्लेस करेंगे? लेकिन एक चीज अच्छी दिखती है मेरे को कि यूपीआई का जो है एनपीसीआई जो है वो यूपीआई में एक लिमिटेशन होती है, हर दिन एक सर्टेन अमाउंट होता है या फिर ट्रांजेक्शन होते हैं, हाँ कैपिंग होती है उसमें, वो यहाँ भी नहीं, हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो कैपिंग है और कैपिंग को ये लोग
क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि वो रूल्स हैं और बहुत सारी चीजें। तो कई बार ऐसा होता नहीं कि पेटीएम काम नहीं कर रहा है, फोन पे काम नहीं कर रहा है, हमारा यूपीआई बैठ गया, कई बार होता है ये, हर लोग फेस करते हैं। तो ये आ जाने से हो सकता है कि वो कम हो जाए क्योंकि लोड कम हो जाएगा, है ना। तो ये अगर होगा तो अच्छी चीज होगी, बट ये भी नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग उसे अडॉप्ट करेंगे क्योंकि यूपीआई के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर दिन का लिमिट है और उस लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते। तो उसी चक्कर में होता है कि किसी दिन ट्रांजैक्शन रीच कर जाता है ट्रांजैक्शन लिमिट, तो फिर आपका ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है और आपको एरर दे जाता है, तो आप बैठे रहते हो कि यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर डिजिटल रुपी को उसके किसी ऑल्टरनेटिव के तौर पर अगर खड़ा करना चाहते हैं, जैसे एक लेमैन जो है वो ये समझेगा कि चलो डिजिटल रुपया है, हमने 1000 रुपए पेटीएम से या फिर किसी अपने बैंक अकाउंट से डिजिटल रुपी में कन्वर्ट कर लिया और इसका जो पेमेंट सिस्टम है, इसका जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ये ज्यादा सीमलेस है, ये ज्यादा फास्ट है और जैसा रियल टाइम बोला गया कि फास्ट होगा और बहुत सारी चीजें होंगी, तो अगर वो होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव भी बताया जा रहा है, इसे कॉस्ट इफेक्टिव बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि पैसा ना लगे, जैसे आम ट्रांजैक्शन पे कुछ अमाउंट लगते हैं नॉर्मली कहीं से, जैसे यूएस से या फिर दूसरे मुल्कों से भेजे जाने पे, तो हो सकता है डिजिटल रूपी में वो थोड़े पैसे भी कम लगे अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो ये सारे फायदे हो सकते हैं, बट हो सकते हैं, अब होंगे कि नहीं होंगे वी डोंट नो। हो सकता है कि 10-15 दिन में या फिर एक साल में कुछ और क्लैरिटी मिले हमें तो हम इस पे एक बार और भी फिर से जनता को बता देंगे। नहीं कुछ, हाँ 10-15 दिन में तो नहीं मिलेगा, इसीलिए तो एक साल बोला दूसरी हाँ क्योंकि क्लैरिटी मिले। जब लास्ट टाइम इसकी बात हुई थी, जब आरबीआई के गवर्नर ने इस पर चर्चा की थी, तो उसके बाद कोई फॉलो अप आया नहीं था और अचानक से फिर कंफर्मेशन आ गया, तो अभी 10-15 दिन तो नहीं। क्रिप्टो छोड़ो, डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, आज तक मिली है क्लैरिटी 2022 हो गया है। क्लैरिटी नहीं मिलती है यहाँ पर, चीजें हो जाती हैं बस। सही बात है, तो बस ये भी डिजिटल रूपी हो गया है, अब क्लैरिटी के लिए हमें वेट करना होगा बेसिकली। जो ब्लॉकचेन वाला जो पॉइंट था ना सिमरन का, हाँ, जो मैंने डिफरेंस का पूछा था कि जो डिजिटल रूपी है वो भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो डिफरेंस पूछा था। ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है ना वो सेम नहीं होगा, जो मुंजर ने बोला था ना शुरू में कि डिसेंट्रलाइज्ड होती है क्रिप्टो करेंसीज और जिस वजह से इतना पॉपुलर हुआ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन वाला कि कोई बॉडी नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। पहले तो आरबीआई एक बॉडी आपने बना दी, वैसे ही सेंट्रलाइज हो गया, वो डिसेंट्रलाइजेशन खत्म हो गया, एक ही बॉडी देख रही है सब कुछ। फिर उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है, अथॉरिटीज होती हैं, और इंडिया नहीं अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखोगे जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये ना बहुत सीक्रेटली काम करते हैं, ये नहीं चाहते कि इनका कोई भी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली रहे, डोमेन में अवेलेबल रहे। तो जो हम बात करते हैं ना पब्लिक डोमेन लेजर, पब्लिक लेजर वाली, हमने पहले भी डिस्कस किया था एक एपिसोड में कि कैसे ट्रांजैक्शंस कोई भी देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, वो सब आपको यहाँ वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी शायद डिजिटल रुपी के अंदर, तो थोड़ा सा वो फर्क आपको देखने को मिलेगा। और ये भी है ना कि ब्लॉकचेन, देखो ऐसे है कि ब्लॉकचेन तो ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे ये बहुत जरूरी लोगों को बताना है कि लोग ये समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, मतलब ब्लॉकचेन पे कुछ हो गया तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। सही बात है, हो गया, लेकिन ये है ना कि ब्लॉकचेन ऐसी चीज थोड़ी है कि ब्लॉकचेन एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई की तरह कहीं पे भी है और जाकर के एक और ब्लॉक ऐड कर दिए, ऐसा नहीं है ना वो ब्लॉकचेन। हाँ ब्लॉकचेन को आप मतलब जैसे कि लास्ट टाइम हमने शायद ब्लॉकचेन पे कुछ किया था, तो मुझे याद है मैंने ये बताया था कि ब्लॉकचेन जैसे आपकी एक दुकान है या फिर 50 एम्प्लॉय काम करते हैं आपके पास है, तो आप ब्लॉकचेन का एक छोटा सा नेटवर्क बना करके आप ट्रांसपेरेंसी अपने ही दुकान के लोगों और फिर इसमें मेंटेन करके रख सकते हैं, उसका डेटाबेस रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में यूज किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत जगह यूज की जाती है। तो आरबीआई भी उसी तरीके का ब्लॉकचेन बिल्ड करेगा, मतलब ब्लॉकचेन नेटवर्क तैयार करेगा, और इन मतलब एक कहते हैं ना कि आप एक रेगुलेशन बॉडी तो है ही आरबीआई, तो उसके अंदर ये ब्लॉकचेन होगा और फिर वही बेसिकली ओन वही करेंगे, तो डिसेंट्रलाइज नहीं रहेगा और अपना कहने को तो डिजिटल रूपी होगा जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड है। और बात भी सही है, तो इसे आप क्रिप्टो कहें या फिर देसी क्रिप्टो कहें या फिर कौन सा क्वाइन, कोई पता नहीं, बहुत सारे मीम देखे थे मैंने, नाम रखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है डिजिटल रूपी ही कहा जाएगा इसे। आई थिंक सो। मीम तो वो भी था ना कि खूब कमाओ सरकार को बढ़ाओ, तो ब्रेक के बाद उसके बारे में भी बात करते हैं। एक बात बताओ मानस, एक बात बताओ, ये जो जो ये डिजिटल रुपी आएगा इस पे 30% वाला मामला है क्या? नहीं, इस पे नहीं होगा। ब्रेक के बाद ये समझाता हूँ इस चीज को थोड़ा सा, ये एक्चुअली लोगों का समझना थोड़ा जरूरी भी है, ये कंफ्यूजन इस पे है काफी।
तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी पर आगे और भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और सुनते रहिए सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक ओनली ऑन आज तक रेडियो और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपी को लेकर, यानी कि हमारी देसी डिजिटल करेंसी। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि डिजिटल रुपी जो है वो भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जिस पर बिटकॉइन बेस्ड है, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और जो हमारी डिजिटल रुपी रहेगी उसे RBI गवर्न करेगा, जिस पर एक्चुअली मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन था मानस, जो मैं पूछना चाहूंगे कि जैसे हम कहते हैं ना कि जो डिसेंट्रलाइज्ड रहता है तो उससे तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जब हमने ब्लॉकचेन पर एक एपिसोड किया था तब हमने बात की थी कि जो डेटा है वो अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर्ड रहता है। अब चूंकि यहाँ पर जो डेटा है, दया तो तोड़ देगा आसानी से दरवाजे की तरह। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड का डेटा स्टोरेज से कोई रिलेशन है नहीं, आपका डेटा अभी भी, क्योंकि ब्लॉकचेन पर भेजे तो डेटा तो आपका वैसे ही स्टोर रहेगा। डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है कि कोई एक इंसान या कोई एक बॉडी नहीं होती जिसके पास सारा कंट्रोल होता है। इस केस में आपने ब्लॉक बहुत सारे बना दिए, पर उन ब्लॉक सारे ब्लॉक्स को जो ओवरसी कर रहा है ना वो RBI ही कर रहा है, तो आप अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। बट इसका टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा इस पे। फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से पड़ जाएगा कि जो आप बात करते हो ना कि कोई कभी भी खरीद लिया, कभी भी बेच दिया, किसी को भी बेच दिया, किसी ने भी बना दिया, वो सब नहीं हो पाएगा, RBI ही बनाएगा। जैसे नोट क्या होता है, नोट के साथ आप घर में नोट की मशीन लाके छाप नहीं सकते ना, नोट खुद के नोट बना लिए हमने, सिमरन ने अपनी फोटो लगा के नोट बना लिए है ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी बच्चों, वो KBC वाले बैंक नहीं आते थे पहले, और जो बिजनेस हम बिजनेस खेलते थे और उसमें जो होते थे यस, क्रिप्टो के साथ यही होने लग गया था ना, कोई भी घर बैठे बैठे क्रिप्टो बना रहा है, पूप कॉइन बना रहा है, अपने नाम से बना दे रहा है, अमन ने अपना बना दिया, अमन कॉइन, SMT कॉइन बन गया, तो ऐसा चल रहा था ना ये सब चीजें, तो वो बंद हो जाएगी ना। फिर RBI ही डिजिटल रुपी बनाएगा, वही आप खरीदो वही बेचो, उसी से सारे ट्रांजैक्शन होंगे, कोई और कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है, बट फ्रीडम सेम होना चाहिए। ओके, मुझे क्या लगता है ना कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जैसे सेम नहीं रहेगा, इस पे बहुत ज्यादा हंगामा मचने के आसार है पूरे, क्योंकि भारत में जिस तरीके से, पहली बात तो यहाँ कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है, मतलब बेसिकली अभी तो पता नहीं कब चेयर होगा, कब नया रूल आएगा, IT रूल्स में इतने सारे बदलाव हैं, अमेंडमेंट हो गए हैं, ये भी देखना होगा ना मंजू, कि डिजिटल रुपी जो है इसको ये कौन से लॉ में डालते हैं, क्या इसको क्रिप्टो लॉ के अंदर डालते हैं या फिर वही बात है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो बेसिक चीज है ना ये एड्रेस नहीं हो रही है, ये खिंची चली जा रही है। अभी पीछे हमें पता नहीं 1-1.5 महीने हो गए वो शो रिकॉर्ड किए हुए, जब आना था कुछ क्या कहते हैं वो बिल चेयर होना था और वो तो संसद कहाँ हुआ, अभी जो नई लिस्ट आई है जो 15 हाँ, बिल अब जो नेक्स्ट सेशन में टेबल होंगे उसमें हाँ, से वो क्रिप्टो बिल हटा दिया गया है ही नहीं। हाँ तो वही चीज है ना, और क्रिप्टो बिल के अलावा वो मैं ध्यान से निकल गया, वो जो रूल है ना IT रूल्स आने वाले हैं शायद, हाँ IT रूल्स जिसे बदल करके चेंज कर दिया गया है, पिछले समय पे अमेंडमेंट हुए थे जो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी उन्होंने कई सारे ऑब्जेक्शन उस पर रेज किए थे, फिर उसके बाद चेंजेस हुए, उसके बाद फिर वो रह गया। तो मेरे कहने का मतलब सिक्योरिटी तब तय होगी जब कुछ होगा हार्ड। अब आधार को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जब आधार आया था तो आधार को भी सिक्योरी माना जाता था, आधार ऐसे होगा आधार वैसे होगा, और वाकई उसे मतलब मजबूत दीवार के अंदर भी रखा गया था आधार का डेटा, मतलब
स्टेटमेंट आया था शायद किसी का कि काफी मजबूत दीवारों के अंदर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी चोरी हो गया यार वो। तो अब ब्लॉकचेन को भी मतलब हाँ। दीवार के अंदर रखा जाएगा या फिर सच में इसकी कुछ इसको कुछ बढ़िया मेरा पॉइंट ये था ना मंजर की जो सिक्योरिटी है ना, मतलब जैसे आपका अब देखो स्कैम तो क्रिप्टो वर्ल्ड में भी हो ही रहे ना, बिटकॉइन के भी स्कैम हो ही रहे, सारे हो रहे, तो वो वाली तो चीज अलग है कि अगर किसी ने ब्रीच कर लिया तो कर लिया, पर डीस मतलब आरबीआई बनाए चाहे कोई अपना बिटकॉइन बना रहे हैं वो, तो उसमें कोई एज सच बैकएंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस किसी ने तोड़ लिया उसका तोड़ निकाल लिया कर दिए स्कैम तो फिर अलग चीज है, वो तो हो ही रहा है देखो उसका तो, जो तो यूपीआई के भी स्कैम हो रहे हैं सारे स्कैम हो रहे हैं। शुरू में इनिशियली तो हर जगह खैर होता है बट इसको लेकर के ऐसा ये कोई ये नहीं है डील ब्रेकर नहीं है कि बस हम ही है, हम ही बैठ गए पॉडकास्ट बना रहे हैं बाकी सब स्कैम ही कर रहे हैं। हाँ ये तो बात सही है। अच्छा तो मानस जब क्रिप्टो पर ये 30% टैक्स का आया तो साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि वो जो 30% टैक्स है वो डिजिटल रुपी को बूस्ट करेगा, मतलब डिजिटल रुपी के मार्केट को बूस्ट करेगा, तो क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसा कोई हिसाब जो क्लियर? अब मैं ये एक चीज एक लाइन में बता देता हूँ, बहुत सारे लोग ना सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जो ओनर्स हैं को-फाउंडर्स हैं हर कोई ट्वीट कर रहा है व्हाट अ पॉजिटिव स्टेप, क्या बढ़िया स्टेप हमारे लिए लिया गया है क्रिप्टो को बूस्ट करने के लिए। भाई इस समय दे मस्ट बी शिटिंग ब्रिक्स राइट नाउ बिकॉज दिस इज ये जो स्टेप लिया गया जो टैक्स इंट्रोड्यूस किया है ये क्रिप्टो को बूस्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसको डिस्करेज करने के लिए किया गया है। आप हो क्या रहा था, आपके जितने भी यंगस्टर्स हैं दे वर लुकिंग एट क्रिप्टो एज अ वेरी क्विक वे टू मेक मनी कि रातों रात तो पैसा डबल हो जाता है ट्रिपल हो जाता है और लोगों ने किया भी है, जो छोटे मोटे शिबा इनू कॉइन डोजे कॉइन इसमें डाल डाल के लोगों ने बहुत पैसा बना लिया। वो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है गवर्नमेंट के पास कोई उसका वही नहीं था बिकॉज कोई रूल नहीं है, कोई जैसा मंजर ने बोला कोई रेगुलेशंस नहीं है कोई टैक्स नहीं है, कितना पैसा बन रहा है क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा था और ये बढ़ता जा रहा था, मतलब ये अमाउंट जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है इंडियंस ने वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया है लास्ट 12 मंथ्स में, ऐसा नहीं हुआ होता ना शायद ये पिछले साल बैन कर देते क्रिप्टो को क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इतना पहुंच गया अब ये बैन नहीं कर सकते क्योंकि एकदम वरना तो हाहाकार मच जाएगी लोगों में क्या हुआ। तो इसका इन्होंने सीधा तरीका क्या निकाला 30% टैक्स लगा दो, 30% जैसे ही टैक्स लगेगा मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो आपको 30 रुपए सरकार को देने, आपने 1 लाख कमाया तो 30,000 देना है और जिसने गलती से 1 करोड़ कमा लिया उसके 30 लाख तो उसे एज इट इज गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो जैसे ही बंदे को दिख रहा है कि 30 मेरा इतना बड़ा मार्जिन सरकार के पास जा रहा है तो बोलेगा फिर मैं क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करूं, इक्विटी से भी ज्यादा टैक्स आपका क्रिप्टो पे लगा है, आपके स्टॉक मार्केट पे म्यूचुअल फंड पे इससे कम टैक्स लगता है, लोग म्यूचुअल फंड में डालने से पहले 2 बार सोचते हैं, जब डालते हैं तो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार टैक्स कितना देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, है ना, वहां पर लोग सोच रहे थे और यहाँ आपने 30% लगा दिया तो उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा लोग जो है कतराएंगे पैसा डालने से पहले क्रिप्टो में। फिर आपने TDS भी लगा दिया कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उनमें TDS लगेगा 1%। फिर उसके बाद आपने क्या करा एक और चीज कि आपने ये बोला कि मान लो आपको लॉस हो जाता है कोई क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट करा आपको कोई लॉस हो गया तो उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मैं थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ अपने जो लिसनर्स हैं उनको, जो इनकम के जो रूल्स होते हैं ना उसमें एक प्रोविजन होता है कि मान लो आपको कोई लॉन्ग टर्म लॉस हो गया है, आपने बहुत किसी चीज में इन्वेस्ट किया था और आपको लॉन्ग टर्म कोई लॉस हो गया, ठीक है, अब आपने एक और इन्वेस्टमेंट की थी किसी और चीज में जहां आपको लॉन्ग टर्म गेन हुआ था तो आप वो अपना लॉन्ग टर्म लॉस दिखा के जो आपका लॉन्ग टर्म गेन है उस पर टैक्स बचा सकते हो। आप बोलोगे मुझे यहाँ नुकसान हो गया मुझे वहां फायदा हुआ है तो देखो मेरे जो नुकसान हुआ था ना उसकी वजह से मेरे इस प्रॉफिट में से आप कोई टैक्स मत लो प्लीज, सरकार बोलती है ठीक है चलो आपको एक जगह नुकसान हो गया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट छोड़ रहे हैं नहीं लेंगे टैक्स आपसे। क्रिप्टो के साथ ऐसा नहीं होगा, अगर क्रिप्टो में आपको लॉस हो गया लॉन्ग टर्म तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप उसे मतलब उसे दिखा नहीं सकते कहीं और कि और उसे दिखा के आपको एग्जम्पशन नहीं ले सकते, मतलब मानस नुकसान पे भी पैसा भरना पड़ेगा? नहीं, नुकसान पे नहीं भरना पड़ेगा बट आपको कहीं और अगर प्रॉफिट हुआ तो आप एग्जम्पशन नहीं ले सकते दिखा के बेसिकली। अच्छा, और इसमें एक ये भी है ना कि जैसे अगर आपने एक ये भी क्लॉज है शायद कि आपने अगर रिसीव किया है तो हाँ मैं उसी पे आ रहा था उसी पे मैं आ रहा था। लास्ट जो उन्होंने सेटबैक जो एक मेजर ब्लो दिया है वो ये दिया है कि अगर कोई आपको क्रिप्टो गिफ्ट करता है ठीक है तो जो दे रहा है मान लीजिए मैंने मुंजर को अगर क्रिप्टो गिफ्ट करी तो मेरे को तो टैक्स में देना पड़ेगा। कर देना यार कुछ 2-3 बिटकॉइन
काश काश मेरे पास होते, मैं पॉडकास्ट कर रहा था बैठ के। और अगर आप मंजर को करो तो पीछे से मुझे मत भूल जाना, फिर मंजर देंगे ना आपको। शेयरिंग इज केयरिंग। अमन कह रहा है, अमन कह रहे हैं तो मैं क्या करूं, नौकरी जॉब छोड़ दूं। तो अगर मैंने मंजर को दिया, मान लीजिए कोई क्रिप्टो ट्रांसफर करा, तो मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, मंजर को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रिसीवर के लिए भी ब्लो है। अब इसमें ना एक एंगल ये फंसता है कि चलो आपने गिफ्ट की तो बात कर दी कि लेट से, हाँ, और नॉर्मल ट्रांजैक्शन का क्या, क्योंकि नहीं, इनहेरिटेंस का क्या? मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल ये है कि जैसे गिफ्ट वाला क्लॉज तो है, मैंने देखा था, हाँ, पढ़ा भी था, लेकिन वो अब ये कैसे तय होगा भाई साहब कि मानस ने मुझे गिफ्ट ही किया है? अब ये कैसे तय होगा, क्योंकि मैं, हो सकता है मैंने उधार मांगा होगा, तो मानस तो जब वापस टीडीएस तो लगेगा उस पर, TDS तो 1% लगेगा वैसे भी। फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने लिट से मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए, ठीक है, दे दिया मैंने, ठीक है, अब 10 दिन के बाद मुझे चाहिए कि भाई मेरा पैसा दो, तो तुम अगर डिजिटल रूपी में 50 लाख रुपए मुझे दोगे, ठीक है, दे दिए तुमने, मैंने हो सकता है UPI से मैंने ट्रांसफर किया होगा तुम्हें, या फिर किसी बैंक में दिया होगा, मैंने डिजिटल रूपी में तुम्हें नहीं दिया, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम मुझे डिजिटल रूपी में ही दो, तो क्या 50 लाख तुम मेरे को दोगे तो उसका 30% मैं आपको, नहीं, उसका नहीं कटेगा, मैं आपको 50 लाख दूंगा, उस 50 लाख पे आपका जो प्रॉफिट होगा ना उस पे टैक्स कटेगा, अगर आपने उस पे कुछ अर्न किया प्रॉफिट, अगर आप, अरे मैंने आपको बिटकॉइन दे दिया 50 लाख के, अब कल को उस बिटकॉइन की वैल्यू अगर 52 लाख हो गई, तो वो जो 2 लाख रुपए बचेंगे ना आप बनाओगे जो, आप उस पे टैक्स लगेगा। ये तो क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो जाएगी यार। अरे इसमें अभी चौथा जो मैं आपको कह रहा था ना, पेंच, गिफ्टिंग में एक पेंच क्या फंसता है, देखो गिफ्टिंग एक होती है कि मैंने सिमरन को गिफ्ट कर दिया, मेरे से कोई रिलेशन नहीं है, आई हैव गिवन हर एक बिटकॉइन आपको बर्थडे पे दे दिया, ठीक है, ओके। सेकंड होता है, व्हाट इफ लेट्स से सिमरन्स फादर हैड बॉट सम अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, एंड इनहेरिटेंटली वो पास ऑन होता है सिमरन को, जैसे प्रॉपर्टी नहीं होती है रियल एस्टेट, जब आप पास ऑन करते हो तो उसके लिए इनकम टैक्स में प्रोविजन होते हैं कि सर्टेन केस में अगर आपको अपने पेरेंट्स से कोई प्रॉपर्टी मिल रही है या ज्वेलरी मिल रही है तो उस पर भी टैक्स कटता है, ठीक है, किसी किसी केस में कटता है, किसी किसी केस में नहीं कटता। अब मान लो मेरे इनहेरिटेंटली मेरे को मिला है कोई क्रिप्टो करेंसी, मेरे को इनहेरिटेंस में मिली है क्रिप्टो करेंसी, तो उस केस में भी क्या वो गिफ्ट में काउंट होगी, क्योंकि इस पे भी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर वो गिफ्ट में काउंट हो गई तो मेरे को उस पे भी टैक्स देना पड़ेगा। अब बस यहाँ पे लोगों को पैनिक एक बात पे नहीं करना कि टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पे, अभी लोगों को क्या लग रहा है कि मान लो यार मैं 1000 रुपए का जैसे बिटकॉइन लूंगा मुझे तो 300 रुपए देने पड़ेंगे सरकार को, नहीं ऐसा नहीं है, आप 1000 रुपए का ले लो, अगर उसकी वैल्यू 1200 हो गई तब आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स 1200 रुपए पे नहीं दोगे आप, जो वो 200 रुपए कमाए हैं ना आपने उस 200 रुपए का 30% टैक्स, मतलब ये रूल वही वाला है जो अभी का जैसे नॉर्मल पैसों पे, हाँ, अगर 1000 का 900 रुपए हो गया और आपने बेच दिया, 100 रुपए का लॉस हो गया तो भी आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ मंदिर के सवाल पे जो था कि क्या डिजिटल रूपी पे भी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिजिटल रूपी में आप कभी कुछ कमाओगे ही नहीं, कभी कुछ घाटा ही नहीं होगा, उसकी वैल्यू तो ऊपर नीचे हो ही नहीं रही ना, वो तो उतनी रहेगी, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, अच्छा वो स्टैग्नेंट है, वो तो करेंसी है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। सो ओके नाइस, बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट मुझे, लेकिन 30% वाला कॉन्सेप्ट तो खैर हर तरफ से डिस्करेज किया है जो यंगस्टर्स है, और जो सिमरन ने पूछा था कि क्या इससे RBI के जो रुपी को बूस्ट मिलेगा, तो बूस्ट इसीलिए मिलेगा ना कि जब आप देख रहे हो कि यार इसमें नहीं डाल सकता और इतना मेरा टैक्स, और ऐड डिजिटल रुपी और ऐड, हां मैं ऐड कर दूं वो आइडिया ही, वो NFT पे भी सारी चीजें एप्लीकेबल होंगी बेसिकली, जिक्र नहीं है बट NFT पे भी वो होगा, जो 30% वाला मामला है NFT से भी आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या फिर आपने कुछ चीजें बेची हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है NFT में 30% अगर लगा दिया जाए तो फिर जो NFT का कोर वैल्यू है जो वो ये है कि आपकी चीज अगर आपने लेट से पेंटिंग बेची अपनी तो अगर अगला किसी और को सेल कर रहा है तो उसका कुछ अमाउंट आपको मिलता जाएगा, लेकिन यहाँ तो कटता जाएगा, तो इसमें फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी लोगों को कि 30% कटेंगे ऐसे और फिर अगर मिलेंगे तो उसमें से भी कटते रहेंगे तो फिर क्या फायदा होगा, 5% मिलेंगे तो उससे अच्छा होगा कि चलो ऐसे ही एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लगाकर बेच देते हैं, छोड़ो NFT कौन करेगा, तो बेसिकली डिस्करेज करने जैसा ही है हर तरफ से, डिस्करेज, हाँ
आपने बोला था कि ये डिस्करेज करेगा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से और लोगों को लगेगा कि वो डिजिटल रुपी में डाले, लेकिन डिजिटल रुपी तो बढ़ेगी नहीं ना, जैसे क्रिप्टो तो बढ़ता है ठीक है, वहां आपकी अर्निंग होती है, पर डिजिटल रुपी तो बढ़ेगी नहीं, तो फिर लोग क्यों वहां पर मतलब पैसा डालेंगे? आप कुछ चीज में इतना मतलब एक ना एक ह्यूमन साइकी ये होती है ना कि यार जो मैं पैसा अगर मैं बना रहा हूँ पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग द आइडिया इज आई मेक मनी ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज में टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो यार कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी में हम गए इसलिए हैं कि लोग सारे ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे थे ताकि उन्हें टैक्स ही ना पे करना पड़े ठीक है। तो यहाँ पर भी जो एक ऑब्वियस मेंटालिटी आएगी ना कि यार 30% में टैक्स पे करने से अच्छा है कि मतलब डिजिटल रुपी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, फिर आप क्या करोगे ना, फिर आप दूसरे एवेन्यूज भी सर्च करोगे कि चलो यार म्यूचुअल फंड में डालता हूँ उसमें तो बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म गेन ही होता है टैक्स, वहां तो मान लो आपने 50,000 रुपए कमाए तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ता, जब तक आपका प्रॉफिट 1,00,000 के ऊपर नहीं जाता आपको टैक्स ही नहीं देना वहां पे, तो आप बोलोगे यार वहां डाल देता हूं मैं, स्टॉक मार्केट में डाल देता हूं मैं कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूं उस पैसे की, चलो थोड़े पैसे बच गए अब एक काम करता हूं थोड़ा सा डिजिटल रुपये भी ले लेता हूं, कम से कम जेब में कुछ रख के नहीं घूमना पड़ेगा कैश, तो इस तरह से थोड़ा सा ये काम करेगा। इतना डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं आज बिटकॉइन लेने जा रहा था मैं कहता हूँ चल यार छोड़ अब तो 30% टैक्स देना है चल डिजिटल रुपी लेते हैं, पहले तो डिजिटल रुपी आ जाए कब तक आएगा, बट हाँ डायरेक्टली थोड़ा सा जितने भी मेरे टैक्स एक्सपर्ट से इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट से बात हुई है इस बारे में सबका सीधा सीधा फंडा है कि बिल्कुल डिस्करेज करने का एक इन अ वे सिंपल तरीके से कहा जा रहा है कि भाई देखो उस गली मत जाओ, अभी तो इतना करा है देखो आगे और क्या कर सकते हैं हम वो भी नहीं पता ना, अभी तो ये तो फर्स्ट स्टेप, अभी तो लॉ भी नहीं आया है। अच्छा लोगों को कई को लग रहा है इसका मतलब क्या लॉ आ गया, जी लॉ नहीं आया है अभी, जो लोग कह रहे हैं ना लीगल हो गया। हाँ, कई लोग बहुत ज्यादा जल्दी जजमेंट पे पहुंच गए थे। हाँ। तो निर्मला सीतारमन ने इसका जवाब भी दिया है, शायद उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लीगल या फिर लीगल टेंडर नहीं मान लिया गया है, इतना उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेजिटिमेसी मिली है बस पहली बार आपकी सरकार ने रिकॉग्नाइज करा है कि ऐसा कुछ होता भी है अभी तक तो मान लिया। और उन्होंने बजट पे ये बात बोला भी कि हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा मतलब डिजिटल इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलेगा और बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन ये सब हो रहे हैं, 30% टैक्स काट लोगे, 30% टैक्स काट लोगे इकोनॉमी को तो बूस्ट मिलेगा ही। मेरा हिस्सा मीम, कुछ कुछ मीम्स वाकई अच्छे थे जिसमें सरकार मेरा हिस्सा ला मेरा हिस्सा इधर हमारा भाई कहाँ जा रहे हो। और इससे पता है इससे जो लोग अभी कुछ समय पहले लगातार जिन्होंने कई सारे एप्स बना करके जो एक्सचेंज बना करके तैयार कर दिया और काफी सारे पैसे कमा लिए, तो उनको भी एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा और उनको भी इसका असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एंड यूजर को ही इसकी दिक्कत होगी 30% वाले को, क्योंकि वो भी तो लेते हैं ना कुछ अमाउंट, वो भी तो रखते हैं ट्रांजैक्शन फी भी, तो वहां पर भी लगती है। हाँ, तो उनपे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनके गले पे भी तभी तभी तो वो सारे जब से ये आया है बजट तब से ट्वीट पे ट्वीट करके कह रहे हैं कि अरे वाह आज तो बहुत बढ़िया डिसीजन हुआ, क्योंकि वो ये कह नहीं सकते ना कि ये क्या कर दिया, मोमेंट वो ये बोलेंगे लोग पैसा निकाल लेंगे सारा का सारा, तो उनको तो पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। सही बात है कि वी वेलकम, हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, लेकिन अंदर से क्या है वो तो हमें पता ही है कि क्या ही सोच रहे होंगे वो। पीछे से ना हंटर मार रहा है कोई तुम्हारी पूट पर, तुम फिर भी हंस मुस्कुरा रहे हो कि हाँ ऑल गुड ऑल गुड। सही बात है। तो लास्टली आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि आपको क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखता है डिजिटल रुपी को लेकर, हालांकि आने में देरी है बट स्टिल assumptions, ये future prospect है कि आ जाए। बस आ जाए। हाँ, बस देखना चाहते हैं, मतलब डिजिटल रुपी को मैं अपने आसपास देखना चाहता हूँ या फिर हो सकता है खुद यूज करके, तो बस अब यही है। और सबसे ज्यादा वेट इस चीज का है कि मतलब जो क्लैरिटी चाहिए ना हमें, जो क्लैरिटी चाहिए वो पूरा बजट वाली कॉपी मैंने पढ़ ली, पूरा पढ़ लिया मैंने जितना पेज था पूरा पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद इधर उधर से जो एक्सपर्ट हैं जो बता रहे हैं उनसे भी बात कर ली, पढ़ वढ़ भी लिया, उसके बाद भी निकल करके यही आया कि भाई अभी क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ इतना है कि क्रिप्टो ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल रुपी आने वाली है, आने वाला है या आने वाली है जो भी, और उससे जिस तरीके से ट्रांजेक्शन होंगे और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है दूसरी जगह क्या है, और हमने आज उसी पे बात भी की है कि कई चीजें अभी भी क्लियर नहीं होंगी जो कि आगे किया जाएगा। आप ये देखो ना कि पहली बार कब बात हुई थी कि क्रिप्टो को लेके कुछ करना चाहिए, रेगुलेशन आने चाहिए, 1-1.5 साल पहले बात हुई थी, 1.5 साल से चल रहा था रेगुलेशन, अब जाके तो ये हुआ है कि पहली बार उन्होंने टैक्स पे क्लैरिटी दी है,
तो 1.5 साल तो सिर्फ ये बोलने में लग गया कि हाँ यार चलो टैक्स काट लेते हैं इसके ऊपर, और काटा भी तब, मतलब जो उनको समझ में नहीं आया कि अब करें क्या भैया, इतना सारा पैसा लोग कमा कमा के कहाँ जा रहे हैं, है ना, ये तो पता नहीं भाई। इन अ वे आप ये सोचो कि ये तो एक तरीका बन गया था टैक्स इवेड करने का, मेरे पास आज बहुत पैसा है मैं क्या करूंगा, मैं किसी भी चीज में डालूंगा, मैं प्रॉपर्टी लूंगा, कुछ भी लूंगा, मेरे को कुछ तो टैक्स देना ही पड़ेगा, एक काम करता हूँ इसी क्रिप्टो लेता हूँ, बढ़ गई तो बढ़िया है, मेरे तो पैसे ही बढ़ गए, मेरे को टैक्स भी नहीं देना पड़ा, निकाल लिया मैंने कैश में रख लिया अपने पास घर में, तो तब तो उनको टैक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा, तो अभी टाइम लगेगा। अब इन्होंने बोला है आज की डिजिटल रूपी आएगा तो, और एक साल बोला है 22-23 तक आएगा, तो 23 में कब, 23 जनवरी और 23 दिसंबर में बहुत टाइम होता है, 12 महीने का फर्क हो जाता है, तो वो कब तक आता है, फिर उसमें क्या जो भी प्रोसीजर्स रहते हैं, तब तक मेरे ख्याल से रेगुलेशन भी आ जाएंगे, उसके बाद हम बेटर पोजिशन में होंगे बात करने की कि भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अभी तो बस ये कि है और आ जाए। ओके, तो ये था सब कुछ डिजिटल रुपी के ऊपर, या फिर आप दोनों में से किसी को कुछ और भी ऐड करना है? नहीं, मेरा तो हो गया। हमारा बनाओ यार कुछ SMT कॉइन वगैरह बनवाओ यार कुछ। अच्छा आप जब आते तो कभी हम अपना NFT बनाए और कभी हम अपना कॉइन। हाँ इतना जब बजट में इतनी बड़ी बड़ी बात हुई है डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के, तो क्यों नहीं करना चाहिए NFT और डिजिटल रूपी को इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाए, बस हम यही मनाते हैं कि बस जल्दी से आ जाए और हम उसे यूज करें। हम बस पॉडकास्ट बना रहे हैं हम बस पॉडकास्ट बना रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और कई लोग शायद निराश भी हुए होंगे कि उन्हें लग रहा होगा कि डिजिटल रूपी में इन्वेस्ट कर पाएंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, तो फिलहाल तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अच्छा एक वैसे बात उन्होंने और भी क्लियर कर दी थी उसमें, ने बोल दिया कि जो हम मंजर पहले बात नहीं कर रहे थे एक पॉडकास्ट में कि क्रिप्टोस, आपने कहा था शायद एक बार ये कि आप चाहते हो ऐसा एक फ्यूचर आए जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसी को यूज करके चीजें परचेज कर पाओ, खरीद पाओ। वो इन्होंने ये मेरा सपना सच होता दिख रहा है। नहीं, वो इन्होंने बजट में क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी को हम करेंसी नहीं मानेंगे, ना माना है। डिजिटल रूपी करेंसी है, क्रिप्टो लीगल टेंडर नहीं है, डिजिटल रूपी क्रिप्टो जैसा ही कुछ होगा जिससे हम कुछ खरीद सकेंगे। डिजिटल रुपीज से खरीद पाओगे। मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ, जो बिटकॉइन इथेरियम होता है उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो कभी लीगल टेंडर नहीं बनेगा अब इसके बाद, मतलब वो बिटकॉइन से आप कभी जाके कुछ नहीं खरीद पाओगे, वो सपना शायद आपका टूट गया। डिजिटल रुपी से खरीद लोगे, बिटकॉइन से नया सपना शुरू हुआ, सपने तो सपने होते हैं। आपका पिक्सल का सपना टूट गया है आपका, ये मैं बोलने वाली थी कि मंजर के सपने कुछ पॉडकास्ट में टूटते ही रहते हैं। सही बात है, पिक्सल का सपना टूट गया, क्रिप्टो करेंसी का सपना टूट गया, अगली बार पता नहीं क्या टूट जाए। अपना तो बैड लक ही खराब चल रहा है ना। सही बात है, सब खराब है। चलो तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टेक टिप के तरफ, और आज का जो टेक टिप है वो ये है कि पेटीएम ने एक नया फीचर लाया है टैप टू पे, जिससे कि आप बिना इंटरनेट के पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अपने फोन को टैप करना होगा POS मशीन के ऊपर, और ये जो फीचर है टैप टू पे ये लेटेस्ट पेटीएम ऐप अपडेट पर ही अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आपको अपने पेटीएम ऐप को अपडेट करना होगा, और जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपको वहां पर अपने होम स्क्रीन पर ही टैप टू पे की फीचर दिख जाएगी, वहां पर जाकर आप अपने कार्ड को ऐड कर सकते हैं, वहां पर एक ऐड न्यू कार्ड की ऑप्शन आती है आफ्टर क्लिकिंग ऑन टैप टू पे, और अगर आपने अपने कार्ड को ऑलरेडी वहां पर ऐड कर रखा है तो आपको ये स्टेप्स ये जो स्टेप है ये स्किप कर देना चाहिए। बात ये है कि अभी ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है, iOS यूजर्स को वेट करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया में अभी भी iOS यूजर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो और यहाँ पर आपको NFC की कनेक्शन भी चाहिए होगी, तो आपके फोन में NFC टर्न्ड ऑन रहना चाहिए टू यूज टैप टू पे फीचर, और अपर लिमिट 5,000 रुपीज है, अगर आप 5,000 रुपीज से ज्यादा पे करना चाहते हैं तो फिर आपको अपना पिन देना पड़ेगा ऑन द POS मशीन। तो ये था आज का टेक टिप ऑफ द डे, और आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपको हमने क्लैरिटी दी होगी डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी के ऊपर। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए और भी पॉडकास्ट में, ताकि अगर कुछ हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि डिजिटल रुपी क्या है, वो किस तरह काम करेगा, तो बिल्कुल हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको क्लियरली बताएंगे। एंड अगर आपके कुछ सजेशंस है या आपके कुछ सवाल है तो हमें radio@aajtak.com पे लिखे, हमें ट्विटर पर भी ट्वीट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस।
डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर।